हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कापैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज है 5th of August एंड जिस CNG वेरिएंट का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली आज टाटा ने उसको लॉन्च कर दिया गया। यस, हम बात कर रहे हैं टाटा पंच की। सो फाइनली टाटा पंच आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। एंड हमने इस वेरिएंट को देखा था ऑटो एक्सपो में, अगर आपको याद हो हमने इसको कवर भी किया था। एंड उस समय से ही हम लोग देख रहे थे कि यार ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो टाटा लेके आ रहा है, ऑल्दो ऑलरेडी अल्ट्रॉज इस टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ चुकी है, बट हम वेट कर रहे थे एक मिड साइज सेगमेंट SUV सेगमेंट की कार में ये टेक्नोलॉजी आए। सो फाइनली अब टाटा पंच में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, अब कहीं ना कहीं यार लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बिकॉज एक्स्टर ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है CNG के साथ, एंड अब टाटा पंच भी आ गई है, तो लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं दोनों कारों के बीच में। तो आज की वीडियो में पहले हम बात करेंगे टाटा पंच के बारे में कि इस CNG में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या फीचर्स आ गए हैं इस कार में अब, एंड क्या प्राइसिंग है इस कार की। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कार स्टार्ट होती है 7.10 लाख से एंड जाती है 9.68 लाख एक्स शोरूम। तो इसमें प्लस पॉइंट ये चीज़ रही है यार कि इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही CNG का ऑप्शन दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। 7.10 लाख जो इसका प्योर का मैं बताऊं बेस वेरिएंट जो है इसका, उसमें आपको CNG मिल रही है। जो ऑप्शन आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं अराउंड 8 लाख के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है अगर कोई लोग बेस वेरिएंट में CNG लेना चाहते हैं। बिकॉज बेस वेरिएंट में लेने के बाद अगर आपको जो भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो आफ्टर मार्केट, और उस वेरिएंट में CNG अगर कोई चाहता है तो उसको पंच में ये चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा पंच में क्या एक्स्ट्रा है, पंच में आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, जो किसी भी CNG कार में आपको ऑफर नहीं किया जा रहा। 210 लीटर काफ़ी हो जाता है अगर आपको छोटा मोटा आप कोई टूर प्लान ट्रैवल प्लान कर रहे हो और आसपास आपको जाना, तो थोड़ा बहुत लगेज आप कैरी कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी उसके बूट में है। तो ये चीज़ तो आपको मिल रही है, प्लस जिस तरह से लोगों की डिमांड थी एक्स्ट्रा में, लोग सनरूफ देख रहे थे कि एक सनरूफ भी आ रहा है, उसी तरह पंच में भी अब आपको सनरूफ मिलने लग गया है CNG वेरिएंट में। तो अगर कोई चाहता है भैया कि मेरे को एक CNG सनरूफ वाली CNG वेरिएंट लेना है, तो वो पंच में जा सकता है, बिकॉज इस कार में अब आपको CNG के साथ साथ सनरूफ का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसके अलावा इस कार में एक अलग चीज़ ये भी है, आपने देखा होगा बाकी जो कार्स आती हैं मारुति की या किसी और होंडा की कारें, उसमें जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, देन CNG में कन्वर्ट होती है। इसमें ऐसा है कि पंच में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसके जब भी आप कार स्टार्ट करेंगे तो आपकी कार डायरेक्ट CNG में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर आपको इसमें एड ऑन मिल रहा है। इसके साथ साथ इसमें थर्मल डिटेक्शन का फीचर भी है, अगर कहीं लीकेज होती है कार में तो ये आपको इंडिकेट कर देगा आपके स्क्रीन पे कि आपके कार में लीकेज है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ तो। इसके अलावा अब आपको पंच का इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल भी चेंज देखने को मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, और टियागो का जैसे आपने देखा होगा डिजिटल आता है कंसोल, उसी तरह का इन्होंने कंसोल रखा है इस बार पंच के बेस मॉडल में भी। तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करूँ एक्सटीरियर से कार ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इस, और इसके अलावा कार की डायमेंशन भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो जो चेंजेस मेन आए हैं वो इसका सनरूफ में अब आपको इस वेरिएंट में मिलने लग गया है। इसके अलावा ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो आपको और किसी इस सेगमेंट की कार में नहीं मिल रही, वो चीज़ अब इसमें नहीं आ गई है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया ये, जो लोग चाहते थे एक ऐसी कार जिसमें आपको एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा हो, मिड साइज SUV सेगमेंट की कार हो, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती हो, अच्छी विजिबिलिटी हो कार में और स्टेबल कार हो, अच्छी हैंडलिंग हो कार की, तो उस केस में अगर जो लोग देखना चाहते थे उस वो इस कार की तरफ जा सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है एंड जिस हिसाब से एक्स्ट्रा आई है, तो एक्स्ट्रा ने ऑब्वियसली हम लोग सोच रहे थे कि कई लोग ये बात भी कर रहे थे कि एक्स्ट्रा का CNG ऑप्शन आने की वजह से एक्स्ट्रा काफ़ी अच्छा मार्केट में परफॉर्म करेगा। तो अब फाइनली टाटा ने भी पंच को CNG के साथ निकाल दिया, तो बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है इन दोनों कारों के बीच में। एंड अब देखते हैं कि कितना सेल्स फिगर में इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों कंपनीज की। तो मेरा ओपिनियन तो इस कार के बारे में, अभी इसका हमने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया है, बहुत जल्दी इसकी टेस्ट ड्राइव वीडियो भी चैनल में लेके आएंगे हम, एंड इसके अलावा इसका डिटेल्ड रिव्यू बहुत जल्दी इस चैनल में आने वाला है।
तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए बनाते रहते हैं। तो बहुत जल्द इस कार का ड्राइव रिव्यू आपके सामने हम लेके आएंगे और ओवरऑल इसका पूरा प्रॉपर वॉक अराउंड आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे चैनल में हम। तब तक के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।